अस्करी बैंक गुलशन इकबाल में दो वारदातें हुई थी, जिसमें उनके जो अंदर जो गार्ड मौजूद थे उनकी मिले भगत से मिल करके वो रात पूरी रात बैठ कर उन्होंने लॉकर काटे और काफ़ी मतलब पैसे और मतलब जो ज़ाहिर लोगों की जो पैसे थे और ज्वेलरी वगैरह थी वो लेकर चले गए थे। इस वारदात के बाद हमने इस पर काम करना शुरू किया था और फिर अल्टीमेटली हमें क्ल्यू मिला कि जनाब के ये लोग आप इनका ताल्लुक है जो ये लोग फरार हो गए हैं पाराचिनार। जब पाराचिनार की हमें इत्तला मिली तो यहाँ से हमने एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की जो कि पाराचिनार में जाकर जिसने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की। उस टीम को मैं शाबाश भी देता हूँ कि वहाँ पर बहुत सख्त सर्दी और बर्फबारी भी हुई थी लेकिन वो टीम वहाँ बैठी रही और अल्टीमेटली उन्होंने वहाँ पर जो तकरीबन बंदे हमको आइडेंटिफाई हो गए थे कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो 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 के जो गार्ड जो था डीएच बैंक वाला उसने बताया थे कुछ नाम कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ज़ाहिर हमको मालूम हो गए थे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनको फिर हमने उनका टेलीफोन वगैरह तमाम अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिए थे। अल्टीमेटली फिर हमको बहरहाल मालूम हो गया, वहाँ पर बैठे रहे, उस पर फिर वहाँ से हमने एक शख्स है सैद जो इस डकैती में इन्वॉल्व था उसको हमने अरेस्ट किया। मोहम्मद अली मेन बंदा है जो बैंक की स्पेशली लॉकरों की जो वारदात है उसमें ये मोहम्मद अली इन्वॉल्व है। मोहम्मद अली को हमने लोकेट किया, फिर इसको हमने लोकेट करने के बाद इसके घर में इसको हमने रेड किया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो इसने बाकायदा कूद करके छलांग मार के छत से छाल मार के भागने की कोशिश की जिसमें इसकी टांग भी टूटी। बहरहाल अल्टीमेटली इसको उन्हें पकड़ लिया। ये मेन बंदा है जो तमाम जितनी भी लॉकर की इससे पहले भी ये सोल्जर बाजार की एक डकैती में पकड़ा जा चुका है और ये कन्विक्ट हो चुका है। कन्विक्ट नहीं हुआ था, बहरहाल उसमें इन्वॉल्व है ये, ठीक है ओके। सोल्जर बाजार वाली वारदात में गिरफ्तार होकर जेल गया था। एनी हाउ इसको फिर जब हमने पकड़ा तो इसके पास से हमें कोई 13 लाख रुपये कैश मिले, सॉरी 11 लाख रुपये कैश मिले, दो गाड़ियाँ हैं टोटा करोला अल्टस कार है और एक सुजुकी वॉल्टन है। इसके अलावा ये इसके घर से जो गैस कटर जो काटने के आलात थे ज्वेलरी को पिघलाने वाले आलात प्लास्टिक कटर डिफरेंट तमाम चीज़ें मिली। इसका काम यह था कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे बाकायदा ताल्लुक रखता था। जिस सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगती थी किसी बैंक में नाइट में लॉकर्स में उनके थ्रू ये फिर ये वारदात करता था। ये बाकायदा इसकी पूरी एक टीम बनी हुई थी, ये बाकायदा उनको टिकट दे करके उनको बुलवाना उनको यहाँ पर ला के रखना उनको पनागा प्रोवाइड करना और उनको तमाम चीज़ फैसिलिटेट करना यही बात है मेन कल्प्रिट।